हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोशनी और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी दही आलू की सब्जी। बहुत ही चटपटी स्पाइसी होती है ये सब्जी, बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दही आलू बनाने के लिए हमने यहाँ पर कर्ड ले लिया है 2 टेबल स्पून। होममेड कर्ड है, आप चाहे तो बाहर का भी कर्ड यूज़ कर सकते हैं। हमने कर्ड में ऐड किया है 2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर हमने 2 टेबल स्पून ऐड किया है, जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून और गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून। इसमें हम हल्दी और नमक अभी ऐड नहीं करेंगे। नमक ऐड करने से इसमें से पानी रिलीज होने लगता है, तो हमें इस तरीके से इन सब चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेना है। याद रखें, सॉल्ट हमें अभी नहीं ऐड करना है। इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि मसाले इसमें फूल जाएं, और इसे हम साइड में रख देंगे। हमने यहाँ पर ले लिया है अनियन चॉप्ड, 2 मीडियम साइज के अनियन ले लिया, इसे हमने चॉप कर लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून हमने क्रश करके लिया है। पोटैटो ले लिया है 3 मीडियम साइज, से अच्छे से पील कर लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे पीसेस में। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, एक पोटैटो का हमने 8 पीसेस में कट किया है। पहले 2 पीस में किया, फिर उनके बाकी पीसेस कट कर लिए। अब हम बेसन ले लेंगे 1 टेबल स्पून, इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बेसन से ग्रेवी थोड़ी थिक बनती है और हल्की सी स्टिकी होती है। तो इस तरीके से हमने बेसन को रोस्ट कर लिया। अब हम सेम पैन में ऑयल लेंगे 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून, सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून। अब हम इसमें पोटैटो ऐड करेंगे और पोटैटो को फ्राई करेंगे। पोटैटो हमें 70-80% इसमें फ्राई करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर। आप देख सकते हैं कलर कैसे चेंज हो रहा है, इसमें गोल्डन कलर आ चुका है। तो जैसे ही इसमें कलर चेंज होने लगे, इससे आइडिया लग जाता है हमारा पोटैटो जो है वो 70-80% कुक हो गया है। टाइम नहीं लगता इसे फ्राई होने में, तो इस स्टेज पे हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सेम पैन में ऑयल, हमने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। अब इसमें कुछ खड़े मसाले हम लेंगे, जिसमें हमने ले लिया है लौंग 3 से 4, तेजपत्ते 2, इलायची 2 से 4, जीरा 1 टेबल स्पून, दालचीनी 1 से 1.5 इंच, ड्राई रेड चिली 2। ड्राई रेड चिली हमने अलग से निकाल लिया, उसे हम बाद में ऐड करेंगे। अब हम इसे जो ड्राई खड़े मसाले हमने इसमें ऐड किया है, इसे हम हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड अनियन, इसे भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अब इस पॉइंट पे हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम इसे भी हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद 1 से 1.5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर एंड सॉल्ट। हल्दी पाउडर यहाँ हमने 1/2 टेबल स्पून ऐड किया है, सॉल्ट 1 टेबल स्पून। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें ड्राई रेड चिली, जो हमने अलग से निकाल लिया था, इसे हमने फ्राई नहीं किया था। इस तरीके से अगर हम ड्राई रेड चिली इसमें ऐड करते हैं तो इसका टेस्ट और इसका जो टेक्सचर है बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, जिसमें हमने मसाले मिक्स किए थे, तो 15 मिनट्स के लिए हमने साइड में रखा था। यहाँ पर दही एंड मसाले इसमें ऐड करेंगे और इसमें ऑयल रिलीज होने तक इसे भी हम फ्राई करेंगे। लगभग 2 मिनट के लिए हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे ओपन में ही फ्राई किया है। अब हम इसमें इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे, ताकि इसमें से ऑयल रिलीज हो जाए, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए और जो कर्ड का एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है वो इससे इसमें ना रहे। अब हम ऐड करेंगे बेसन, जिसे हमने रोस्ट कर लिया था। बेसन स्टिकी होता है, तो हमने रोस्ट करके लिया है, फिर भी हल्का सा स्टिकी है ये। तो इस पॉइंट पे हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे, ताकि जो मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं वो फ्राई हो, जले नहीं और इसमें चिपके नहीं। तो जो हमने मसाले लिए, अनियन लिए, सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो पानी हमने 1.5 कटोरी इसमें ऐड किया है, छोटी कटोरी से 1.5 कटोरी। तो ये थिकनेस पे डिपेंड करता है, आपको ग्रेवी कितनी थिक चाहिए। तो दही आलू में ग्रेवी जो है वो थिक अच्छी लगती है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें पानी ऐड किया। अगर आपको पतली ग्रेवी रखना है और भी पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें 1 उबाल आने देंगे, ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसमें उबाल आ रहा है, बॉयल हो रहा है।
ग्रेवी जो है अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली पाउडर। चिली पाउडर ऐड करने से इसमें कलर आएगा। इसमें दही वाले मसाले हैं, दही है तो इसमें कलर नहीं आता है जब तक हम चिली पाउडर इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पोटैटोज जो हमने फ्राई कर लिए थे। 80% तो हमने पहले ही फ्राई कर लिया है। अब ग्रेवी के साथ इसे हम लगभग पूरी तरह से पकाएंगे, इसे हम कुक करेंगे। अब हम इसे कवर करके पकाएंगे ताकि जो पोटैटो है, आलू है, वो अच्छी तरह से इसमें पक जाए। तो ये फिर से हम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर करके हमने इसे पकाया है। बहुत ही अच्छे से पोटैटो पक चुका है, ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें और कलर अगर आपको चाहिए तो आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं जो हमने अभी ऐड किया है। अब इसमें हम धनिया जो कोरिएंडर लीव्स है उसे चॉप करके ऐड कर दिया है। लगभग 1 मिनट के लिए इसे हम फिर से एक बॉयल आने तक पकाएंगे। उसके बाद हम एक पोटैटो लेकर इस तरीके से चेक कर सकते हैं ये अच्छे से कुक हुआ या नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं ये पोटैटो बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है, ये 100% कुक हो चुका है। तो इस पॉइंट पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस तरीके से दही आलू की सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं ग्रेवी की, थिकनेस देख सकते हैं, जिस तरीके की ग्रेवी हमें चाहिए थी उस तरीके की ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है। इसे आप बॉइल्ड राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत टेस्टी होती है, रोटी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये सब्जी बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये सब्जी कैसी लगी। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मैं इसी तरीके की अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।